राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक हर कोई राममय नजर आया, जहां बीजेपी नेताओं की ओर से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण व भूमि पूजन को लेकर हर्ष जताया गया। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्वीट के जरिए खुशी जताई, मानो हर कोई राम के रस में डूब जाना चाहता हो। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद चारों ओर दियों की जगमगाहट, झालरों की झिलमिलाहट दिखाई दी। प्रदेश बीजेपी के बीच भी हर्षोल्लास और जश्न का माहौल दिखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और दिया कुमारी ने अपने आवास पर दीप जलाए। इसके बाद सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत के इशारों वाले तंज को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा। पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी निशाने पर लिया। पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत के जैसलमेर के बाड़े वाले हैशटैग सबके राम से रूस गए दिखते। राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, कांग्रेस राज्य वालों ने कोई दीपक, आरती, भजन की फोटो वोटो नहीं चेपी, हवाई जहाज, जॉगिंग, राखी, बावर्ची, क्रिकेट, सेल्फी और तो और नमाज की भी फोटो आई, भली करे राम जी। वहीं राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर दिया कुमारी ने कहा कि हम श्री राम के वंशज हैं, आज का दिन गौरवशाली है। दिया कुमारी ने कहा कि हम भी भूमि पूजन कार्यक्रम में जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ऐसा संभव नहीं हुआ। जब कोरोना का प्रभाव कम होगा, हम पूरे परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे, परिवार की तरफ से भेंट चढ़ाएंगे। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राम सबके हैं, राम सब में है। श्री राम कितने ही देशों की आस्था और अतीत में है। दुनिया में श्री राम किसी न किसी रूप में बसे हुए हैं। श्री राम का ये मंदिर युगों युगों तक प्रेरणा स्रोत बनेगा। श्री राम की तरह अयोध्या में बनने वाला श्री राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। खैर, 5 अगस्त को मानो पूरे देश ने साल में दूसरी बार दिवाली मना ली हो। प्रदेश के कई इलाकों में किसी त्योहार जैसा जश्न नजर आया। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए आम से खास तक हर कोई सुबह से ही सक्रिय नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।